अस्सलामुअलैकुम, आज हम देखते हैं प्रिंसेस सोफिया की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी बच्ची बोलो ना, मुझे वो शाही समारोह नहीं चाहिए। ओ सोफिया, लेकिन तुम्हें तो समारोह में जाना अच्छा लगता है और ये तो खास तुम्हारे लिए है। पर मुझे राजकुमारी बनने के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे नृत्य करना भी नहीं आता। मैं गिर जाऊंगी और सभी मुझ पर हंसेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा और वैसे भी कोई भी राजकुमारी पर नहीं हंस सकता। कहने की बात है। यहाँ आओ सोफिया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और अगर तब भी उन सारे नीरस शाही लोगों को वो पसंद ना आए तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सोफिया, हम आपके लिए कुछ लाए हैं, एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। कितना सुंदर है ये। ये एक बहुत ही विशेष रक्षा यंत्र है। वचन दीजिए आप इसे कभी नहीं उतारेंगे। इस तरह आप इसे कभी नहीं खोएंगे। मैं वचन देती हूँ। चलिए, अब सोने का वक्त हो गया। कल आपको राजगुरुकुल जाना है। राजगुरुकुल? बिल्कुल सही, जहाँ सारे राजकुमार और राजकुमारी शाही तौर तरीके सीखने आते हैं। शाही समारोह के बारे में भी आप वहीं पर सीखेंगी और हम उसी दिन की राह देख रहे हैं। मैं भी। धन्यवाद। शुभ रात्रि सोफिया। आपको भी। सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। क्षमा करे जादूगर सीड्रिक। सीड्रिक, तुम देख कर क्यों नहीं हो? तुम्हारा लॉकेट कितना सुंदर है ना, महाराज ने मुझे दिया। जल्दी हूँ। शुभ रात्रि। उसके पास एवलार का लॉकेट है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की? इतने सालों से एवलार का लॉकेट मेरे नजरों के सामने यही था। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा। बस अब मुझे वो राजकुमारी से छीनना होगा और मुझे इतनी ताकत मिलेगी कि मैं पूरे राज्य पर राज करूंगा। शायद मैं अब राजकुमारी बनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? ये एक महल है, कोई खेत नहीं। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। शू, शू, निकलो, निकलो यहाँ से। नाश्ता 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, उसके बाद राजगुरुकुल जाना है। आ जाओ सोफिया। हे, मेरे लिए रुको। बताओ इन घोड़ों को। राजकुमारी सोफिया।
ऊपर देखो बेटा, हमारे इस राजगुरु कुल में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ फ्लोरा, ये है फोना और ये है मेरी वेदा। हम प्रधान अध्यापिकाएं इस राजगुरु कुल की। हम सब कितने खुश हैं कि तुम यहाँ आई हो। हमें हमेशा अच्छी राजकुमारियों की तलाश रहती है। ये अच्छी बात है क्योंकि शुक्रवार तक मुझे राजकुमारियों जैसा बनना है। हाँ। तुम्हारे पहले पाठ का वक्त हो गया है। शुभकामनाएं बच्चों, हमारे बीच एक नई छात्रा आई है, स्वागत करो। सुप्रभात। 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 ओह, ये क्या किया? हाँ? रुकिए, मैं उठा के देता हूँ। ये रही आपकी किताब। और फिर उसने सारे कांटे चम्मच जमीन पर गिरा दिए। मैं हूँ सोफिया, एम्बर की बहन। सौतेली बहन, वाह कितना अच्छा लॉकेट है। धन्यवाद। इसे शाही समारोह में पहनेंगे। हम सब वहाँ होंगे, हमें उसका इंतजार है। एम्बर, आप यहाँ क्या कर रही हो? हमें लगता है कि सोफिया को जादुई झूले पर बैठना चाहिए। पता नहीं एम्बर, पिताजी ने कहा है उसे अच्छे से पेश आना। लेकिन हम हर विद्यार्थी का ऐसे ही तो स्वागत करते हैं ना? वैसे बात तो सही है। सुनो सोफिया। कहो जेम्स, कुछ काम है? आपने जादुई झूले पर बैठ के देखा? उसे झूलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप झूलता है। जाइए बैठ के देखिए। अपने आप झूलता है? ऐसा पहले कभी नहीं सुना। अब आएगा मजा। बहुत मजा है जेम्स, तुम चीप गए। ओ नहीं, फिक्र मत करो, पहला दिन सबके लिए मुश्किल होता है। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे किया था। अगला वर्ग शुरू होने से पहले कपड़े सुखाने होंगे। सोफिया रुकिए, आपने तो कहा था वो आपकी बहन है। वो है। ये आवाज कैसी? डरो मत, मैं मदद करती हूँ। अब तुम ठीक हो, बस तुम और माँ जैसे होना चाहिए। हाँ? अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको कार्टून बहुत अच्छे लगे। बाय।